यमुनानगर में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का उद्घाटन करने पहुंचे सूबे के मुखिया मनोहर लाल। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने जग्गाधरी में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया और विद्यापीठ के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा की और अपने वेतन से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, सांसद रतनलाल कटारिया और एचएससी चेयरमैन भोपाल खत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यापीठ के लिए 1 लाख रुपए दान की घोषणा की। हरियाणा के यमुनानगर के देवधर गाँव में गुज्जर कन्या विद्यालय के नाम से मशहूर संस्था अब जग्गाधरी के अमर विहार में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ खोलने जा रही है। इसके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिलान्यास के दौरान हवन यज्ञ आहुति डाली और विद्यापीठ के लिए जहां सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की घोषणा की, तो उन्होंने अपने वेतन से 2 लाख रुपए की और शिक्षा मंत्री और सांसद शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा काफी विद्यापीठ के जरिए नैतिक शिक्षा, संस्कृत पाठ्यक्रम और सामाजिक शिक्षा देने का काम किया जाएगा। 2 महीने के प्राइवेट स्कूलों में साल भर की इतनी फीस है, फीस वो फीस कहीं माफ करते हैं, कहीं आधी देते हैं, कहीं पूरी करते हैं, झगड़े पकड़े सब चलते हैं। लेकिन इस सिस्टम में जो उस समय श्रद्धा का भाव होता था, वो श्रद्धा का भाव आज नहीं है। आज तो मोल भाव होता है कि शिक्षा के बदले में पैसे देके मैंने शिक्षा को खरीदा है, इस प्रकार का सिस्टम बन गया है, जिसके कारण से शिक्षा संस्कारों की शिक्षा नहीं, शिक्षा हो गई है 3R एजुकेशन। क्या मैं शिक्षा को प्राप्त करके एक सर्टिफिकेट लूंगा, फिर कहीं जाकर नौकरी लगूंगा, अच्छे से अच्छा पैसा कमाऊंगा? अगर संस्कार अच्छा था साथ में, शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन शुद्ध बनता है, और अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं जुड़ा तो जो शिक्षा लेके आगे बढ़ता व्यक्ति शुद्धता नहीं रहती, तो हर प्रकार की कमियां उस व्यक्ति में आ जाती हैं, और जिसको एक शब्द के रूप में कह सकते हैं वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो जाता है। आज एक व्यक्ति काम करता है, सरकारी नौकरी करता है या कहीं भी कुछ काम करता है, तो वो एक तो है कि अपनी पवित्र कमाई में से आगे बढ़ता है, वो कहता है कि मुझे 10 लाखों की कमाई, करोड़ की कमाई मुझे मिलती है, मैं लेता हूं, परिवार चलाता हूं। और एक आदमी कहता है ये तनख्वाह तो नाम की होती है, असल कमाई तो वो है जो नीचे से ऊपर से होके आती है। तो ये भ्रष्टाचार नाम की जो बीमारी शुरू हुई, ये संस्कारों की कमी के कारण से शुरू हुई। आज अगर उसको ठीक करना है, ये ठीक है, कानून है, दंड है, सब कुछ बना हुआ है कि गलत काम कोई करेगा पकड़ा जाएगा, उसको दंडित करेंगे, उसकी रिकवरी करेंगे, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल किसी से है, वो हल है संस्कारों से, कि व्यक्ति गलत काम करे ही नहीं,